And good morning, dear kids. Today we will read new lesson Helen Keller. So let's start. It was the summer of 1880. A healthy baby girl was born in a small town in Alabama. Her parents loved her dearly and named her Helen Keller. यानि 1880 की गर्मियों की बात है. एक बहुत ही स्वस्थ बच्ची का जन्म हुआ Alabama के एक छोटे से शहर में, small town में. Her parents loved her dearly, यानि उसके parents उसे बहुत प्यार करते थे और उसका नाम रखा गया Helen Keller. But one day, the baby became ill, and day after day, her fever stayed high. लेकिन एक दिन वो बच्ची बीमार हो गई और दिन बीतते गए लेकिन उसका फीवर बहुत तेज था, यानी उसका फीवर कम नहीं हुआ. Everyone in the family tried to help her to get better, but all they could say was, "There is nothing more we can do. The baby may not live." हर कोई जो फैमिली का सदस्य था वो बहुत कोशिश कर रहे थे कि वो ठीक हो जाए, वो बेटर फील करे, लेकिन वो सिर्फ ये कह पा रहे थे अंत में, जब वो सब कुछ ट्राई कर चुके थे, कुछ भी उस बच्ची पे काम नहीं कर रहा था, तो दे कुड से शायद हम और कुछ नहीं कर सकते हैं, शायद ये बच्ची जीवित ना रहे. हेलन लिव्ड बट शी वॉज नॉट द सेम आफ्टर हर इलनेस. लेकिन वो बच्ची जिंदा रही, वो बच्ची जीवित रही, लेकिन बीमारी के बाद अब वो पहले जैसी नहीं थी. समथिंग इज़ वेरी रॉन्ग, हर मदर सेड. एट लास्ट दे फाइंड आउट वॉट वॉज रॉन्ग. द चाइल्ड कुड नॉट सी और हियर. उसकी मदर ने कहा कि कुछ बहुत गलत है और लास्ट बाद में फाइनली उन्हें पता चला कि क्या गड़बड़ थी. गड़बड़ ये थी कि अब वो बच्ची देख नहीं सकती थी और सुन नहीं सकती थी. द बेबी ग्रू इन टू अ लिटिल गर्ल. हर पेरेंट्स फेल्ट सॉरी फॉर हर. हेलन ऑफन क्राइड एंड हेल्ड ऑन टू हर मदर. गिव द पुअर चाइल्ड वॉट शी वॉन्ट्स, हर फादर वुड से. अब वो जो बच्ची थी वो बड़ी होने लगी और उसके पेरेंट्स उसके लिए बहुत अपसेट थे, बहुत दुखी थे वो उसके लिए कि वो देख नहीं पाती और सुन नहीं पाती. हेलन अक्सर रोती रहती थी और अपनी मदर को पकड़ के रखती थी और उसके फादर कहते थे कि इस बच्ची जो भी मांग रही है वो उसे दे दो, उसे शांत कराओ, उसे चुप कराओ. दो हेलन कुड नॉट हियर और सी, शी वॉज अ ब्राइट लिटिल गर्ल. सम पीपल थॉट हेलन कुड नॉट लर्न एनीथिंग. हर मदर डिड नॉट एग्री. हेलन इज़ वेरी स्मार्ट, शी सेड एंड एडेड. द प्रॉब्लम इज हाउ कैन वी रीच हर, शी इज़ लॉक्ड अप इनसाइड हरसेल्फ. हालांकि हेलन देख नहीं सकती थी और सुन नहीं सकती थी, लेकिन वो एक ब्राइट लिटिल गर्ल थी. कुछ लोग सोचते थे कि हेलन कभी भी कुछ नहीं सीख पाएगी, कुछ लर्न नहीं कर पाएगी, लेकिन उसकी मदर इस बात से एग्री नहीं करती थी, वो नहीं मानती थी. वो कहती थी कि हेलन बहुत ही स्मार्ट गर्ल है, बहुत ही चतुर लड़की है, बहुत समझदार है, और कहती थी कि प्रॉब्लम ये है कि हम लोग उसे किस भाषा में सिखाएं, हम लोग उस तक कैसे अपनी बात पहुँचाएं, क्योंकि ना वो सुन सकती है ना वो देख सकती है. वो अपने आप में ही अंदर कैद हो गई है, वो अपनी बातें हम तक नहीं पहुंचा पाती. हेलन बिगेन टू ग्रो वाइल्ड. शी वुड नॉट लेट एनीवन कॉम्ब हर हेयर. हर क्लोथ्स वर ऑलवेज डर्टी. शी वॉज ऑफन एंग्री. समटाइम्स शी इवन ले ऑन द फ्लोर एंड किक्ड हर फीट. यानी हेलन जो थी अब वो बहुत ही वाइल्ड होने लगी थी, यानी उस पेशेंस वो अपना लूज कर देती थी. वो किसी को अपने हेयर नहीं कॉम्ब करने देती थी, उसके कपड़े हमेशा गंदे रहते थे और ज़्यादातर वो क्या रहती थी, गुस्से में रहती थी, और कभी कभी वो ऐसे फ्लोर पर लेट कर अपने पैरों को भी मारती थी. हर पेरेंट्स थॉट दैट दे शुड फाइंड अ टीचर फॉर हर. मिस सुलेवान, अ यंग टीचर, अग्रीड टू हेल्प हेलन टू लर्न टू सी द वर्ल्ड. उसके पेरेंट्स ने सोचा कि हमें हेलन के लिए एक टीचर ढूंढनी चाहिए और मिस सुलेवान इस बात के लिए मान गई. उन्होंने कहा कि मैं हेलन को सिखाऊंगी कि वो बिना अपनी आईज से देखे हुए, बिना अपने कानों से सुने हुए भी इस दुनिया को कैसे समझे, इसके बारे में कैसे सीखे. मिस सुलेवान गेव हेलन अ डॉल. DOLL स्पेल्स डॉल. She spelt the word with her fingers into Helen's hand. Miss Sullivan ने Helen को एक doll दी, गुड़िया दी. हम सबको पता है doll की spelling क्या होती है, DOLL. तो Miss Helen ने क्या किया, अपनी fingers से Helen के hand पर DOLL ऐसे लिखा.
तो इससे हेलन को समझ आया कि यहाँ पर टीचर ने जो लिखा है इसका मतलब है गुड़िया यानी डॉल. She made the letters with special hand signs. Helen copied her teacher and spelt D-O-L-L too, but she did not understand what she was doing. टीचर ने स्पेशल हैंड्स के साइन से ये डी ओ एल एल उसके हैंड पे लिखा और हेलन ने भी कॉपी किया. जैसे उसकी टीचर ने किया वैसे हेलन ने भी किया, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी टीचर क्या कर रही हैं. हेलन लाइक्ड मिस सुलेवान. शी वॉज स्ट्रिक्ट बट काइंड. हेलन को मिस सुलेवान बहुत पसंद आई. वो बहुत स्ट्रिक्ट थी बट वो बहुत काइंड भी थी, बहुत दयावान भी थी. She spelled a lot of words for Helen. वो हेलन के लिए बहुत सारे words उसकी language में सिखाती थी, यानी उसके hands पे वो बहुत सारे words लिखती थी. She spelled a lot of words for Helen on her hand day and night to make Helen understand. वो दिन रात हेलन के हैंड पर बहुत सारे words लिखती थी ताकि हेलन को अलग अलग चीज़ों के बारे में वो समझा सके. One day, her teacher made Helen put her hand into running water. Then she spelt W-A-T-E-R. एक दिन उसकी टीचर ने हेलन का हैंड बहते हुए पानी में डाला और उसके बाद उन्होंने W-A-T-E-R उसके हैंड पर लिख दिया. Suddenly, Helen understood that W-A-T-E-R meant something wet running over her hand. और अचानक से हेलन समझी कि वाटर W-A-T-E-R जो उसकी टीचर ने उसके हैंड पे लिखा है इसका मतलब है कुछ गीला जो उसके हाथ के ऊपर से बह रहा था. शी अंडरस्टूड दैट वर्ड्स वर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स इन द वर्ल्ड. उसे समझ आया जो वर्ड्स हैं वो इस दुनिया की सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है. वर्ड्स वर Tell her everything she wanted to know. यानी ये words जो हैं जो उसकी teacher उसे सिखा रही हैं ये उसे वो सब कुछ जानने का मौका देंगे जो वो जानना चाहती है. वो उसे वो सब कुछ बताएंगे इस दुनिया के बारे में जो वो जानना चाहती है. So this was the story and new words from this lesson. Dearly, dearly मतलब जो हमें बहुत ज़्यादा प्यारा हो. इलनेस मतलब बीमारी. अग्रीड मतलब किसी काम करने के लिए हाँ कर लेना. इम्पॉर्टेंट मतलब ज़रूरी. गुड बाय डियर किड्स.